नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सोनिया एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका हमारे कार्यक्रम दर्शन मध्य प्रदेश में। पिछली बार इंदौर की कुछ जगह छूट गई थी, इस बार फिर मैं आपको लिए चल रही हूं उन्हीं यात्रा की भ्रमण कराने। तो चलिए चलते हैं इस यात्रा। और उनके परिवारजनों की स्मृतियाँ अपने में समाया हुआ है छत्री बाग, जहाँ पर स्मारक छत्री और मंदिरों के आकार में मौजूद। से आवृत प्रांगण में सूबेदार मल्हार राव होलकर, खांडे राव होलकर, माले राव की छत्रियां बनवाई गई। गुंबद आकार में निर्मित स्मारक और उनके शीर्ष पर पिरामिड मीनारे मन को एक अद्भुत कलाकृति में रमाने पर मजबूर करते हैं।
अद्भुत कला में खो जाएंगे। प्राचीनतम शैली एवं विभिन्न कलाकृतियों का बेजोड़ नमूना है कृष्णाबाई होलकर की स्मृति में बनाई गई छतरी। वे अत्यंत प्रभावशाली रहीं। छतरी की दीवारों पर कई देवी देवताओं एवं प्रतीक चिन्हों को बहुत ही खूबसूरती के साथ उकेरा गया। राव द्वितीय तथा शिवाजी राव की भी छत्रियां हैं। होलकर के शहर से अब हम आ पहुंचे हैं एक ऐसी भूमि पर जो जन्म स्थली है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों को समाज में उनका हक दिलवाया। इंदौर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित छोटा सा एरिया है इस स्थान का, परंतु ये स्थान अपने में एक ऐसे इंसान की पहचान समेटे हुए है जो कि अपने ज्ञान एवं बुद्धि के बल पर भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार बने। बौद्ध पुनरुत्थानवादी होने के साथ साथ इन्होंने समाज के वंचितों के लिए भी लंबी लड़ाई लड़ी। दलितों के मसीहा, दलित उन्नायक, दलित मुक्ति के अग्रदूत, ऐसी कितनी ही संज्ञाओं से इन्हें याद किया जाता है। और जब इन्हें याद किया जाता है तो इस स्थान का स्मरण अपने आप ही आ जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महू की, जो कि भारतीय संविधान के जनक और भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि है। महू में भारतीय थल सेना की कई इकाइयां हैं। यहाँ पर इन्फेंट्री स्कूल, सेना का संचार प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और थल सेना का युद्ध महाविद्यालय स्थित है। सूबेदार रामजी सकपाल बॉम्बे रेजिमेंट में सूबेदार थे, जिनको स्थानांतरण के पश्चात महू आना पड़ा। यहां इनके घर में पुत्र के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। पर्यटकों की बात की जाए तो महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म स्थान पर बना स्मारक देखने लायक है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद में अंबेडकर स्मारक सफेद मार्बल के पत्थरों से गोलाकार में बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली पर बना यह भव्य स्मारक स्थापत्य कला की बेजोड़ कृति है। मकराना के सफेद संगमरमर एवं मैंगलुरु के ग्रेनाइट से निर्मित इस स्मारक को समीप से देखने पर बौद्ध धर्म के सांची जैसे प्राचीन स्मारकों की छवि दिखाई देती है। स्मारक की गोलाई से संसद का आभास होता है। स्मारक का निर्माण बाबा साहेब अंबेडकर स्मारक निर्माण समिति की देखरेख में किया गया है। सीढ़ियों पर पीतल के हाथी
तथा पाइप लगाकर रेलिंग की साज सज्जा की गई है। स्मारक की भव्यता के लिए प्रथम तल पर चारों ओर संगमरमर की जालियां लगाई गई हैं। स्मारक के सामने 14 फीट ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भव्य एवं आकर्षक मूर्ति लगाई गई है। इस प्रतिमा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हाथ में भारतीय संविधान लिए हुए खड़े हैं। प्रथम तल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित कई वस्तुओं को स्थान दिया गया है। दीक्षा भूमि नागपुर का मॉडल यहां पर स्थित है। यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा अपनी पत्नी को स्वयं की बैरिस्टर की उपाधि सौंपते हुए प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा से पूर्व के समय की एक घटना जुड़ी हुई है। भीमराव अंबेडकर के पुत्र का निधन होने के बावजूद भी उनकी पत्नी ने उन्हें लंदन में सूचना नहीं पहुंचवाई थी। जब भीमराव अंबेडकर अपनी शिक्षा पूर्ण कर लौट कर आए और उन्हें इस बात का पता चला तो वे अपनी पत्नी पर क्रोधित हुए। इस पर उनकी पत्नी ने जवाब दिया कि यदि मैं आपको आपके प्रिय पुत्र के निधन का समाचार भेजती तो निश्चित ही आज आप हाथ में बैरिस्टर की डिग्री लिए हुए नहीं होते। उन्होंने कहा, ये डिग्री भी तो आपके बेटे जैसी ही है। बौद्ध अनुयायियों एवं विश्व भर से आने वाले पर्यटकों को यहाँ फैली शांति एवं सकारात्मक ऊर्जा अपनी ओर आकर्षित करती है। अंबेडकर स्मारक का निर्माण कुछ इस तरह से किया गया है कि यहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अत्यधिक है। द्वितीय तल धम्मा हॉल के नाम से बनाया गया है। इस धम्मा हॉल में गौतम बुद्ध की प्रतिमा के साथ बर्मा के बुद्ध गुरु श्री चंद्रमणि के साथ बाबा साहब की प्रतिमा रखी गई है। इस चित्र के माध्यम से उस घटना का वर्णन किया गया है जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बुद्ध गुरु चंद्रमणि से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इस प्रतिमा के सामने पर्यटक एवं श्रद्धालु यहां पर बुद्ध वंदना एवं मेडिटेशन करते हैं। बुद्ध वंदना एवं मेडिटेशन करते वक्त मंत्रों की आवाज हॉल में गूंजती है जिससे शांति का एक अलग एहसास होता है। यहां पर बुद्ध धर्म के मंत्रोच्चारण सुनना एक अविस्मरणीय अनुभव है। धम्मा हाल से लगी हुई गोलाकार पंक्ति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी से संबंधित कई छाया चित्रों का अंकन किया गया है जिसमें मुख्यतः स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम लोकसभा दल, पूना संधि, गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी के साथ चर्चा, महार रेजिमेंट की स्थापना, कई महत्वपूर्ण सभाओं में बाबा साहब का उद्बोधन आदि को स्थान दिया गया है। अंबेडकर स्मारक रात में लाइट की रोशनी में अत्यंत रमणीय दिखाई देता है। यहां पर विभिन्न रंगों की लाइटों से सजावट इस तरह की गई है कि रात के अंधेरे में अंबेडकर स्मारक कई तरह के रंगों में रंगा हुआ दिखाई देता है। देवी अहिल्या के स्वर्णिम इतिहास एवं फैशन की नगरी इंदौर की यात्रा को यही समाप्त करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ।